संजौली के बाद अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिमाचल के मंडी में भी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को वाटर कैनन से तितर बितर किया। संजौली मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, शिमला के विवाद का निकाला जाएगा हल। कहा हिमाचल में सभी को है काम करने का अधिकार, बना रहे हिमाचल का सौहार्द, किसी धर्म को ना हो नुकसान। मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण पर कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा एक महीने के भीतर मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा जाए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 10 लाख रुपए के मुचलके पर मिली है बेल। केस पर टिप्पणी ना करने और केस में सहयोग करने का दिया निर्देश। केजरीवाल को जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बेंच पर बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा केजरीवाल की सीबीआई हिरासत गलत नहीं, लेकिन बिना मुकदमे लंबे समय तक किसी को जेल में रखना भी ठीक नहीं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बांटी मिठाई। केजरीवाल के आवास पर खुशी से झूमते नजर आए कार्यकर्ता। सुनीता ने कहा विपक्ष के नेता को जेल में डालकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं ये लोग। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल। फैसला सुनते ही खुशी से झूम उठे मनीष सिसोदिया, मंत्री आतिशी। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए, ढोल की थाप पर कार्यकर्ता नाचे। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को मारा है तमाचा, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। बोले हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे केजरीवाल, हरियाणा का चेहरा भी केजरीवाल ही तय करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम है। भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। केजरीवाल की जमानत पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, आखिरकार सत्य की हुई जीत, सच को कभी भी नहीं दबा सकते। केजरीवाल को जमानत मिलने पर एबीपी के शिखर सम्मेलन में बोली पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी, कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बेहतर बनाने का वादा किया था, दिल्ली वासियों को देना होगा जवाब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। केजरीवाल के बाहर आने की खबर से ही घबरा गई है बीजेपी। जेल में रखकर ये हमारा हौसला कम नहीं कर सकते, दिल्ली हरियाणा में करेंगे बीजेपी को पराजित। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। बोले जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता है, आम आदमी पार्टी तय करे कब सत्य पराजित होता है और कब जीतता है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव। दावा कांग्रेस के वोट में हुआ 20% इजाफा, आम आदमी पार्टी को की गई थी 4 सीटें ऑफर। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आरक्षण पर बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अकोला में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले शामिल हुए। मणिपुर में हालात अभी भी तनावपूर्ण। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा आज चौथे दिन भी बंद। भारी पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की मौजूदगी, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी। कल सरकार के साथ फेल रही डॉक्टर्स की बातचीत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा जूनियर डॉक्टरों के साथ बातचीत की हुई पूरी कोशिश, 3 दिन तक उनका इंतजार किया। बोली लोगों के खाते इस्तीफा देने के लिए भी तैयार। अपनी मांगों पर अड़े कोलकाता हड़ताली डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। आगरा में जूनियर डॉक्टर ने की 11 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मुकदमा। आरोपी डॉक्टर को जेल भेजा। पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में पीएम मोदी ने संवाद किया। खिलाड़ियों ने पीएम के साथ साझा किए अपने अनुभव। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उफनाते नाले के पास टूटी पुलिया, स्कूली बस नाले में।
रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर आया भारी मलबा। हाईवे बंद होने में से लगा लंबा जाम। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु परेशान। बारिश के बाद पानी से लबालब हुआ हल्द्वानी का शेर नाला। एहतियातन यातायात पर रोक। खटीमा और चंपावत जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत। यूपी के पीलीभीत में मूसलाधार बारिश के बाद भारी जल जमाव। सड़कों से लेकर बाजार के निचले इलाके तक पानी ही पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बांधों के ओवरफ्लो के बाद उफान पर नदियां। खतरे के निशान के करीब पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। बारिश के चलते लखीमपुर खीरी की सड़कें तालाब बनी। पानी में रास्ता नहीं दिखने की वजह से सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसी बस। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर आवागमन बाधित हुआ है। रानीखेत मोहान के पास पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश की वजह से गिरी दीवार। जनहानि के नुकसान की खबर नहीं। मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से नुकसान। ग्रेटर कैलाश इलाके में कई पेड़ गिरे। दिल्ली में हुई रात भर की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। कीर्तिनगर इलाके में जगह जगह जल भराव। दिल्ली के कई हिस्सों में कल शाम से लगातार बारिश। बारिश की वजह से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। तापमान में मामूली गिरावट आई है। अभी बारिश जारी रहने के आसार। बारिश के चलते ग्रेटर नोएडा में गिरी जर्जर मकान की छत। हादसे के वक्त घर के भीतर सो रहे थे परिवार के लोग, कई घायल। आज सुबह से आम लोगों के लिए खुला मुंबई के कौशल रोड से बांद्रा वर्ली सी लिंक। कल सीएम शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम ने सड़क का शुभारंभ किया। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में आरोपी कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पिछले 8 दिनों से मालवन पुलिस की रिमांड पर था जयदीप। पुणे के हड़पसर में उपद्रवियों ने पुलिस को चुनौती दी। बेखौफ बदमाशों ने मिनी बस में आग लगाई। पड़ताल में जुटी पुलिस। आतंकी साजिश के केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। अमृतसर मोगा गुरदासपुर जालंधर में एनआईए ने छापेमारी। एनआईए ने अमृतपाल सिंह के चाचा प्रगट सिंह के घर पर छापेमारी की। गांव बुटाला में अमृतपाल सिंह के बहनोई के घर पर भी एनआईए की छापेमारी। यूपी के बहराइच में भेड़िया ने फिर किया अटैक। हमले में 45 साल की महिला घायल। इलाके में आदमखोर की दहशत कायम। कानपुर में भेड़िए का आतंक। खेत में चहलकदमी करते भेड़िए को गांव के लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। यूपी के फतेहपुर में घर के बाहर सो रहे लोगों पर भेड़िए का हमला हुआ। हमले में कई लोग घायल। हिंडनबर्ग का अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप। स्विस बैंक में अडानी के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज। मनी लॉन्ड्रिंग जालसाजी की जांच के तहत कार्रवाई का दावा। हिंडनबर्ग के आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई का। हिंडनबर्ग के सभी दावे झूठे। हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की हो रही है कोशिश। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 40 नेताओं के नाम। नितिन गडकरी मनोहर लाल खट्टर भी स्टार प्रचारक। कांग्रेस ने हरियाणा की 89 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। एक सीट सीपीएम को दी है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ गठबंधन। हरियाणा में एक और गठबंधन। आईएनएलडी बीएसपी के साथ आई हरियाणा लोकहित पार्टी। सिरसा विधानसभा सीट से गोपाल कांडा होंगे प्रत्याशी। बाकी सीट पर गठबंधन के प्रत्याशियों की करेंगे मदद। टिकट कटने से नाराज रोहिता रेवड़ी का कांग्रेस से इस्तीफा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। 2014 में बीजेपी के टिकट पर जीती थी पानीपत शहर विधानसभा सीट से चुनाव। हरियाणा में विधानसभा भंग। नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी। कल कैबिनेट के फैसले पर राज्यपाल ने मुहर लगाई। मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया हत्या। कहा रात में पुलिस आई उठाकर ले गई। हर शख्स जानता है कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। राज्य में अन्याय की सीमा टूटी। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का निशाना। कहा समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और माफिया में फर्क नहीं पता। एसपी के डीएनए में अपराध और माफिया।
बिहार में शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अजीब बयान, बोले अमीर रात में शराब पीते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, गरीब शराब पीता है तो जेल जाना पड़ता है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। आजादी के 78 सालों के बाद भी दरभंगा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर भोजपट्टी गांव को नहीं मिली सड़क, 5 किलोमीटर घूमकर मुख्यालय जाने को मजबूर है, ग्रामीण बीमार पड़ने पर चारपाई ही सहारा है। सड़क नहीं बनने पर भोजपट्टी के ग्रामीणों में आक्रोश है, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने गांव में जल्द से जल्द सड़क बनवाने का भरोसा दिया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की दबंगई, सहकारी समिति डायरेक्टर के चुनाव में विधायिका के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा छीना। पंजाब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, मोहाली से गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग्स की तस्करी करता था। बलौदाबाजार जिले में छरछेद गांव में 4 लोगों की हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी से काटकर जान ली गई है, इलाके में तनाव को देखकर पुलिस फोर्स तैनात की गई, मृतकों में एक ही परिवार की 2 बहनें, भाई, एक बच्चा शामिल। एमपी के राजगढ़ में एसआई की हत्या के मामले में खुलासा, कांस्टेबल पल्लवी और उसके प्रेमी ने एसआई की बाइक को टक्कर मारने के बाद करीब 100 फीट तक घसीटा था, मामले का वीडियो अब सामने। प्रयागराज में ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचे दंपति, आरपीएफ हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से इनकी जान बची, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिर गए थे कि पति पत्नी।